हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना खजाना विद अनु। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस पनीर की रेसिपी, जो हम सबको बहुत ही पसंद है, और वो है रेस्टोरेंट स्टाइल कड़ाही पनीर। तो आज हम घर में बनाएंगे वही स्वाद और वही रंग रेस्टोरेंट जैसा कड़ाही पनीर, और साथ ही शेयर करूंगी कड़ाही मसालों का सीक्रेट्स, जिसके साथ आप एक बार इसे बनाकर खाएंगे तो रेस्टोरेंट वाली कड़ाही पनीर को भूल जाएंगे। तो देर किस बात की है फ्रेंड्स, चलिए कड़ाही पनीर बनाना शुरू करते हैं। कड़ाही पनीर बनाने के लिए हम सबसे पहले कड़ाही मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें लेना है साबुत धनिया 2 टीस्पून, सौंफ 1/2 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, 1 दालचीनी, 5 से 6 लौंग, 2 हरी इलायची और 2 साबुत लाल मिर्च। अगर आपके पास काश्मीरी सूखी लाल मिर्च है तो आप उसे ले सकते हैं। इन सभी साबुत मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए मीडियम फ्लेम पर पैन गरम करेंगे, उसमें सभी साबुत मसाले डालकर ड्राई रोस्ट कर लेना है लगभग 2 मिनट के लिए, जब तक कि इन मसालों से हल्की सी खुशबू ना आने लगे। ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि मसालों को बहुत ज़्यादा रोस्ट करके इसका कलर बहुत डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा कलर इनका चेंज हो जाए। उसके बाद इन मसालों को बाउल में निकाल कर गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। साथ ही हमारा पैन गरम है, इसमें मैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालकर इसे भी हल्का सा रोस्ट करके निकाल लेती हूँ। इस तरह से मसालों को रोस्ट करके अलग रख लिया है। इसमें हमने जो कढ़ाई मसाले भूनकर रखे हैं उसे मिक्सी जार में डालकर ड्राई पाउडर बना लेंगे। कसूरी मेथी को नहीं पीसना है, इसे हम बाद में ग्रेवी बनाते समय डालेंगे। कढ़ाई मसाले को थोड़ा फाइन ही पीसेंगे, जिससे कढ़ाई पनीर का जो टेक्सचर है, ग्रेवी की जो टेक्सचर आएगी, बहुत ही फाइन होगी। आप इसे दरदरा भी पीस सकते हैं तो कोई बात नहीं, टेस्ट सेम ही आएगा। यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, उसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। आप अपने फेवरेट शेप में कट कर सकते हैं, जैसे ट्रायंगल, स्ट्रिप्स में काट सकते हैं। पनीर को हम गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। इसके लिए सेम पैन में 2 से 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे। पनीर को लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। ऑयल में फ्राई करने से पनीर का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको प्लेन पनीर पसंद है तो आप प्लेन ही डालें, आप उसे फ्राई नहीं करें। यहाँ हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जिससे उसका कलर डार्क हो जाए। बिल्कुल लाइट ही फ्राई करें, जिससे पनीर की जो सॉफ्टनेस है वो बनी रहती है। इस तरह से सारे पनीर को फ्राई करके अलग प्लेट में हम निकाल कर रख लेंगे। पनीर को फ्राई करने के बाद इस पैन में काफ़ी सारा ऑयल बच गया है। अब मैं इसी ऑयल में 1 बड़ा चम्मच बटर ऐड कर रही हूँ। आप इसमें बटर की जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बटर या घी में सब्जी बनाते हैं तो हमारी सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई पनीर बना रहे हैं तो इसके लिए बटर या घी ज़रूर डालें। बटर हमारा मेल्ट हो गया है, इसमें मैं डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस किया हुआ प्याज, साथ ही 1/2 टीस्पून जीरा, 2 तेज़पत्ता डालकर इसे लाइट गोल्डन होने तक भून लेंगे, जिससे कि प्याज में जो कच्चापन है वो निकल जाए। 2 से 3 मिनट तक हम प्याज को पकने देंगे। 2 से 3 मिनट लगभग हो गए हैं, प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर, इसे भी डालकर थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू लगभग 1/2 कप, आप काजू कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी को एक साथ मिक्स करके टमाटर को सॉफ्ट होने तक लगभग 2 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आपको तीखा पसंद है तो देगी मिर्च या हरी मिर्च काट कर डाल सकते हैं। हल्दी और मिर्च के पाउडर को ऑयल में हल्का सा भून लेंगे, जिससे हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पानी, इसे हम 1 या 2 मिनट के लिए पैन को ढककर मसालों को पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक। नमक डालकर चला लेंगे। अब हम इन मसालों को ठंडा करके मिक्सी में डालकर बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। इससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। पेस्ट बनाते समय 1/2 कप पानी डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। इस तरह से ध्यान रखेंगे कि काजू जो हमने डाले थे वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए।
अगर आपको तेज पत्ता नहीं पीसना है तो इसे निकाल कर अलग रख सकते हैं। यहाँ मैंने सभी मसालों को अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट जैसा तैयार कर लिया है। इस पेस्ट को आप फ्रिज में 2 से 3 दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी पनीर या कोई भी सब्जी बनानी हो तो फ्रिज से निकाल कर इसकी ग्रेवी आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 बड़े प्याज और 2 शिमला मिर्च को क्यूब्स में कट कर लिया है, जैसे पनीर को कट किया था बिल्कुल वैसा ही। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट और टोमेटो प्यूरी भी तैयार करके रख लिया है। अब हम कढ़ाई पनीर की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 2 बड़े चम्मच ऑयल कढ़ाई में डालकर गर्म करेंगे। उसमें 2 टीस्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम 1 मिनट के लिए चला लेंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे कटे हुए शिमला मिर्च और प्याज। इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए चला लेंगे। इसमें अब हम डालेंगे पिसे हुए कढ़ाई मसाले। इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमारे मसाले ड्राई जैसे लग रहे हैं तो यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे। आप चाहे तो ऑयल या बटर पानी की जगह डाल सकते हैं। 1 मिनट के लिए इसे भी चला लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ प्याज और टमाटर का पेस्ट। इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले वाला पानी, जिस बाउल में पेस्ट बनाकर रखा था वो डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है, क्योंकि हमारे मसाले ऑलरेडी पके हुए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार, डालकर चला लेंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे टोमेटो प्यूरी। सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए कुक कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। हींग ऑप्शनल है। हींग डालने से ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। रोस्ट किए हुए कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके ग्रेवी में डाल देंगे। अब हम ग्रेवी को ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे, जिससे मसालों से ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए, ऑयल मसालों के ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है। 1 टीस्पून बटर में डाल रही हूँ। साथ ही 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम इसमें डाल देंगे। फ्रेश क्रीम की जगह आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, इससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे पनीर के क्यूब्स, डालकर चला लेंगे। पानी डाल देंगे लगभग 1/2 कप। पानी आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितनी आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहते हैं उतनी आप डाल सकते हैं। ग्रेवी को ढककर 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। ये देखिए, सभी मसाले और पनीर बहुत अच्छे से मिल गया है। ग्रेवी का टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया है, और ग्रेवी का रोगन बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। पनीर भी काफ़ी सॉफ्ट दिख रही है। हमारी ग्रेवी लगभग तैयार है। देखिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का लग रहा है ना। जब आप खाएंगे कढ़ाई पनीर तो आपको इसका टेस्ट रेस्टोरेंट से भी बढ़िया लगेगी। इसके ऊपर चॉप किया हुआ हरा धनिया और फ्रेश क्रीम के साथ गार्निश कर लेंगे और फिर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो चलिए कढ़ाई पनीर को सर्व कर लेते हैं। हमारी डिलीशियस और परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, नान, पराठा या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कढ़ाई पनीर कैसी बनी फ्रेंड्स, आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।